हाँ तो लाल है, इससे पहले 100 का 2 किलो चल रहा था, अभी 100 का 2.5 किलो मिल रहा है। तो आज का भाव जो है आलू प्याज का क्या है? तो छोटू अपना बेच रहा था मस्त में, इससे ले लेंगे हम चाय। ये पसली, एक पसली का भाव कितने का? और हमने सोचा था कि हम बिरयानी इफ्तार में खाएंगे, लेकिन इफ्तार तक हमारी बिरयानी बनी नहीं पाई। तो चिकन में अब हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। सबसे पहले हम पतीले में चावल डालेंगे नीचे, और थोड़ा ताकत लगाओ एकदम जोर से, हो नहीं रहा है इनसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लाने। और आज रुकैया हमारे रेसिपी में क्या बनाएगी? रुकैया बिरयानी। तो रुकैया आज बनाएगी बिरयानी, तो बिरयानी का सामान भी हम लाएंगे, और बाकी अफ्तारी का भी फ्रूट वगैरह भी लाना है सब। तो साजिद जाएगा तू भी? नहीं, मैं और रुकैया जाएंगे, बाकी थोड़ा इन लोग का पेपर चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेपर चल रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग मार्केट जाते हैं, सामान लेके आते हैं, फिर आज बिरयानी की रेसिपी मुझे बनाते हैं। तो पहुँचते सबसे पहले कांदा और बटाटा, मतलब आलू और प्याज। तो लोग बोलते हैं, हम लोग गलत नहीं बोलते, मुंबई में कांदा बटाटा बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं आलू पड़ी है। तो आलू और प्याज लेंगे सबसे पहले। तो आज का भाव जो है आलू और प्याज का क्या है? 30 रुपया किलो। हाँ, आप लोग के यहाँ क्या क्या भाव है, इसे मैच करना। हमारे यहाँ सस्ता है, आपके यहाँ सस्ता है। और हमने लहसुन ले लिया, तो लहसुन का भाव क्या है? लहसुन का आज का भाव है 200 रुपया किलो। तो हमने 100 रुपये का आधा किलो लहसुन लिया। ये देखो प्यारे प्यारे खरबूजे यहाँ लगे हैं, और हम खरबूजा लेंगे। तो खरबूजे का रेट आज मैं सबको आज रेट बताऊँगा। खरबूजे का आज का रेट है आला, खरबूजे का 100 रुपये का 2.5 किलो। हाँ, इससे पहले 100 का 2 किलो चल रहा था, अभी 100 का 2.5 किलो मिल रहा है। तो भैया जरा अच्छा अच्छा निकालना जरा। चलो कलिंगर अब लेंगे। कलिंगर का रेट 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, सब जगह कलिंगर है। लेकिन हम जो ले रहे हैं 30 वाला कलिंगर ले रहे हैं। हमारा एक 30 वाले में एक दिन का हो जाता है पूरा। लाल है कि नहीं देख के लेंगे हम। 2, 4, 5, मतलब दिन ब दिन घटता है। चलो काटो। हाँ तो लाल है, ठीक है। चलो अब हम आगे पपैया लेने। तो पपैया का आज का भाव चल रहा है 50 रुपये का 1 किलो। तो आप लोग के एरिया में क्या भाव चल रहा है बताना जरूर। फिर नींबू और हरा मसाला लेंगे, क्योंकि बिरयानी में हमको डालना है सब। अदरक वाला ली, अदरक मिर्ची, हरी धनिया, नींबू। अब हम आ गए टमाटर लेने। टमाटर का आज का भाव है 25 रुपया किलो। 50 का 2 किलो टमाटर लेंगे हम। और बिरयानी बनाने के लिए हमको चिकन भी लेना, तो हम आ गए चिकन लेने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? समोसा पट्टी। से समोसा बनाएंगे। तो छोटू अपना बेच रहा था मस्त में, इससे ले लेंगे हम चाय। ये पट्टी, एक पट्टी का भाव कितने का? 40 रुपये का ना। हाँ तो दोस्तों हम घर आ गए हैं। बच्चे लोग यहाँ देखो पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही, खाली बुक रखी है, एग्ज़ाम चल रहा है। कहीं का पेपर है, का पेपर है कल? कल मेरा इंग्लिश का। आज तुम्हारा कहे का पेपर था कल? मेरा इंग्लिश का हो गया, कहीं का इंग्लिश का है। पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही बराबर, देखो बैठे हैं यहाँ खाली बुक लेके। चलो फ्रूट वगैरह निकालो फटाफट। तो अब मम्मी ने चिकन बिरयानी बनाना शुरू कर दिया है। तो सारे इंग्रेडिएंट सबसे पहले निकाल लिए चिकन बिरयानी बनाने के लिए। तो उन्होंने एक प्लेट में टमाटर, कांदा, मिर्ची, पुदीना, धनिया, नींबू निकाल लिया है, और साथ में यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर भी चॉप कर लिए है, और सारे मसाले निकाल लिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट एक कटोरी में निकाल लिया, और सारे मसाले निकाल लिए हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, पिसा धनिया, गरम मसाला और चिकन मसाला, और जो चिकन लेके आए थे उसे भी निकाल के धुल दिया अच्छे से, और प्याज काट लिया, और साथ में जो बिरयानी वाले चावल होते हैं उन्हें भी निकाल लिया। कुकर में भी तेल डाल दिया गरम होने के लिए। तो तेल गरम हो चुका है, मम्मी अभी उसमें प्याज डालेंगी। अभी ये प्याज थोड़ा लाल होएगी। तो अभी हमारी प्याज लाल हो चुकी है, अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। आप देख सकते हो। तो भी सीख लो कैसे बनते हैं। हाँ मैं भी सीखूंगी, सबको सिखाऊंगी। तो चिकन फ्राई हो रहा है, तो साथ में हम लौंग और लकड़ी डालेंगे ताकि उसमें खुशबू आए। तो जब तक चिकन पक रहा है, मम्मी यहाँ पे सारे मसालों को साथ में मिक्सर में पीसेंगी। टमाटर, प्याज, फिर पुदीना, धनिया, उसकी मिर्ची, फिर नींबू का रस। तो चिकन में अब हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। तो अभी इफ्तारी का वक्त हो चुका है, तो हम सब ने रोज़ा खोल लिया है। और हमने सोचा था कि हम बिरयानी इफ्तार में खाएंगे, लेकिन इफ्तार तक हमारी बिरयानी बनी नहीं पाई, और वक्त हो गया, तो हमने अभी रोज़ा खोल लिया है। और वैसे भी बिरयानी तो हमें इफ्तार करने के बाद ही खाना है। तो अभी हम सारे मसालों को भी चिकन में डाल देंगे। गरम मसाला
मसाला, गरम मसाला, चिकन मसाला, हल्दी, मिर्ची और लास्ट में चिकन में हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है, मम्मी ने भगोने में पानी डाल लिया है और अब उसे गर्म कर रहे हैं। फिर इसके अंदर चावल डालेंगे और पानी उबालते वक्त हम इसके अंदर लौंग, इलायची, जीरा डाल देंगे ताकि चावल के अंदर भी इसकी महक आ जाए। तो अभी हम पानी में थोड़ा सा नींबू और मिर्ची भी डालेंगे, गर्म मिर्ची में डालूंगा और ये नींबू का रस, और साथ में हम इस पानी में नमक भी डाल देंगे ताकि चावल में हमारे टेस्ट आ जाए नमक का। तो अब पानी हमारा उबलने लगा है तो अब हम इसमें जो चावल है उसे डाल देंगे। तो चावल अभी हमारे पक चुके हैं, खोल के दिखाओ, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है चावल में से। तो अभी हमने चावल को एक छन्नी में डाल दिया है ताकि जैसे उसका पानी पूरा निकल जाए। तो अब हमारा चिकन भी फ्राई हो गया और यहाँ पे चावल भी बन गए हमारे एकदम टेस्टी से। अभी में जो काफ़ी टेस्टी खुशबू आ रही है तो अब हम इस पर परत लगाएंगे। सबसे पहले हम पतीले में चावल डालेंगे नीचे और थोड़ा सा तेल भी रहेगा पतीले में नीचे ताकि चावल चिपक ना जाए। और परत लगने के बाद हम ये फ्राई किए हुए प्याज और ये पुदीना और धनिया और साथ में नींबू का रस ऊपर से डालेंगे। तो अभी हमने चावल की एक लेयर लगा दी है, अब हम इसके ऊपर से जो चिकन का मसाला है उसको लगाएंगे। तो अब इसके ऊपर चिकन का मसाला आएगा, एकदम टेस्टी बनने वाली है हमारी मसालेदार बिरयानी। टेस्टी ज़्यादा नहीं बनेगी क्योंकि अभी पापा है नहीं, पापा कहीं गए हैं काम से, पापा हमारे रहते हैं तो वो टेस्टी और बनाते हैं। पापा को काम आ गया तो पापा चले गए, वरना पापा रहते तो वो बिरयानी बनाते। तो अभी हमारी चिकन की लेयर लग चुकी है, अब हम इसके ऊपर से फिर एक और बार चावल की लेयर लगाएंगे। तो अब हमारी परत लग चुकी है, अब हम इसके ऊपर से हमारे भुंजे हुए प्याज, कड़ी पत्ता, धनिया पुदीना और साथ में नींबू का रस डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर से ऑयल भी डाल देंगे और ऊपर से हम बिरयानी में फूड कलर भी डाल देंगे हल्का सा। तो अब हम बिरयानी को रख देंगे दम पे, पेपर लगा के ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। और इस पे कोई भारी चीज़ रखेंगे, हमने इसके ऊपर ये पटरा रख दिया है। कितने देर में पक जाएगी ये? बस 5 मिनट में बिरयानी में दम लग जाएगा और हमारी बिरयानी पक जाएगी, फिर हम खाएंगे। तो अभी यहाँ पे मम्मी पापा के लिए सादा चिकन का मसाला रेडी कर रही हैं और हमने पुलाव बनाएंगे, पापा के लिए भी हम थोड़ा सा पुलाव बनाएंगे और चावल तो हमने पहले से ही निकाल लिया था। तो अभी हमारी टमाटर और कांदे को चॉपर में चॉप करेगी। तो पहले इसके मतलब आधे आधे टुकड़े कर लिए हैं। बिरयानी बन चुकी है तो अभी मम्मी की मदद करते हुए हमें दही मतलब कचुम्बर बनाना था। हाँ, कचुम्बर बनाने के लिए मैं यहाँ पे चॉपर में प्याज और टमाटर चॉप कर रही हूँ। ताकत लगाओ एकदम जोर से, हो नहीं रहा है इनसे, ताकत लगानी पड़ रही है। तो अभी इसमें टमाटर और प्याज चॉप हो चुका है, ये देखो हटाओ। तो अभी मैंने दही के अंदर टमाटर और प्याज डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा कचुम्बर बन चुका है। तुम्हारा कहाँ, तुम तो इधर ही हो, तुम्हारा कचुम्बर नहीं, कचुम्बर बन चुका है। बिरयानी भी रेडी हो गई है तो अब हम खाएंगे बिरयानी कचुम्बर के साथ, मजा आएगा। तो अभी हमारी टेस्टी टेस्टी बिरयानी बन चुकी है, इसमें से मस्त गरम गरम धुआं निकल रहा है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो फटाफट से सर्व करते और खाते हैं कचुम्बर। तो अभी शादी में मम्मी और मेरे हाथ की बनाई हुई बिरयानी को टेस्ट करके बताया। हाथ की बनाई हुई बनाया तो मम्मी ने, तुमने बस बताया है क्या क्या हुआ है। न्यू गरम आराम से। चिकन का तो मजा ही अलग होता है, बताओ हमेशा की तरह एकदम अच्छी है, पता है तो अच्छी दीजिए दी। और यहाँ पे मम्मी ने पापा के लिए भी सादी बिरयानी रेडी कर ली है तो पापा जब घर आएंगे तो वो भी अपनी बिरयानी खा लेंगे। पापा के यहाँ पे लिक्विड वाला खाना भी बन गया है। तो आज मम्मी ने एक साथ इतने सारे काम किए हैं, हमारे लिए भी बिरयानी बनाई है अपने और पापा के लिए भी बनाई है और पापा का खाना भी बनाया है। तो आज हमने मम्मी के हाथ की बिरयानी खाई जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। तो अगर आपको बिरयानी नहीं, मुझे तो टेस्टी लगी, मेरे को अच्छी लगी। और अगर आपको बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर आप सब लोगों को बिरयानी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।